rebuilding. Sending backup. Sending backup now. That's when it's my favorite. It makes sure I's doing good. Does it now? Half price if you buy two. Wow. You again. Is this your store? No. My father's. How much? 800 rupees, please. 800 rupees. Okay, for you, 550. Incredible. So, does your father usually leave you here alone? No, he's away fighting the devils. Oh. The Indian army called him up, did they? No, he volunteered. Really? Well, if it was my choice, I wouldn't leave you here alone. All right. That's 300. Better deal. 400 rupees plus garnish. You don't want this. It's broken, see? You don't know the story? Ganesh fought Parashuram was standing guard at his father's door. Yes, to defend the honor of his father, Shiva, and got his tusk hacked off for his troubles. Interesting. Anyway, it's not for sale. Right on time. Okay, look. 600 rupees. You can keep the change. Hey, wait! Hey! You need a guy. Oh? And what'll that cost me? My sister needs me. How am I supposed to get up tonight? ब्रह्मांड पुराण के अनुसार जब परशुराम कार्तिकवीर अर्जुन को हरा के आए थे, वध करके आए थे मिलने के लिए साक्षात महादेव से, तो गणेश ने उन्हें रोक दिया. श्री गणेश ने रोक दिया जाने से अंदर. और need to be on that truck before it goes. So, you're Ganesh. How much for it, really? Not for sale. गुस्सेल स्वभाव के थे ही वो. उन्होंने अपना जो फरसा है वो दे मारा. गणेश चाहते तो बड़े आसानी से रोक सकते थे उसको, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो फरसा महादेव ने ही उन्हें दिया था, परशुराम को आशीर्वाद में. और अगर उस फरसे का वार खा ले जाता तो फिर अपमान होता. तो उन्होंने उस फरसे का जो वार है अपने दांत पे ही झेल लिया, अपने बाएं दांत. What? Don't get me wrong. Decent technique on the lift. उसने निकाल लिया. But I'd like my Ganesh back, please. Fine. A for effort, kid. तो ये तो एक कहानी है जिसके अनुसार आप देखते हैं जहाँ भी श्री गणेश के मूर्ति को वहाँ पे उनका एक दांत टूटा हुआ होता है. भविष्य पुराण के अनुसार जब कार्तिकेय पुरुष और स्त्री के श्रेष्ठ जो लक्षण होते हैं उस पर ग्रंथ लिख रहे थे, और श्री गणेश उन्हें परेशान कर रहे थे. उनके भाई थे, वो परेशान कर रहे थे, तो उससे गुस्से में आके उन्होंने उनका एक दांत तोड़ दिया. और ये बात जब महादेव तक पहुंची तो उन्होंने दोनों को समझाया और कार्तिकेय ने दांत वापस तो कर दिया, बट साथ में एक बात और बोला कि उनको अपना ये दांत टूटा हुआ हमेशा अपने साथ रखना होगा वरना वो भस्म हो जाएंगे. तो आप ये भी नोटिस करते होंगे जो श्री गणेश हैं, जहां भी उनकी मूर्ति होती है वो अपना वो टूटा हुआ दांत अपने हाथ में थामे रखते हैं. और अगर बात करें महाभारत की तो you can't go inside without removing your shoes. I know. I just wanted to look at the mandapam. Mandapam.
जब देवों ने महर्षि वेदव्यास से कहा कि महाकाव्य लिखें उनके बारे में, महाभारत की बात कर रहा हूं मैं, तो महर्षि वेदव्यास मान गए। शर्त ये थी यार कि जो ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी हो उसके द्वारा लिखी जाए। तो महादेव के पास जाते हैं, महादेव उनसे फिर People aren't allowed across the bridge. It's too dangerous. Listen, kid. It's been really fun. You need to make yourself scarce. I have a spare bed in the store. 300 rupees. Best deal in all of India. Okay, no thanks. I need to get on this truck. Bad idea. The rebels, they hurt people. Listen. I need to help my friend, okay? Tell you what. When I get back, pizza's on me. Deal? Deal. Good. Shit. Damn it. Sir, wait! Sir, oh, please. God. My dad, we were eating ice cream. I can't find him. I can't. क्या बात है? बहुत चालू है वो. It's okay. What happened? He was standing over there. Wait, there he is. So, उसके बाद वो श्री गणेश से आग्रह करते हैं, वो मान जाते हैं, लिखने को तैयार हो जाते हैं, बट उनका एक शर्त होता है। शर्त ये है कि वो जब वो लिखेंगे तो उन्हें कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। और वेदव्यास भी अपना एक शर्त रखते हैं कि जो मैं बिना बोले मुझसे पूछा कुछ लिखेंगे नहीं। और इतना बड़ा महाकाव्य लिखने के लिए फिर अपना दांत तोड़ते हैं और उससे लिखते हैं। और ये कहानी भी उसी टूटे हुए दांत के इर्द गिर्द घूम रही है। आगे क्या होने वाला है वो तो कहानी में आगे जानेंगे, बट ओके, रेड डोर, दैट्स इट, बेटर देन नथिंग। बेहतर हुआ कि हम अपनी कहानी का आरंभ करें, श्री गणेश करें। जस्ट एन एक्टिव वॉर ज़ोन। नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज आप देख रहे हैं अनचार्टेड लॉस्ट लेगेसी का पहला एपिसोड और आरंभ हो चुका है एक महागाथा का। और लेकिन एक बात आपसे कहना चाहूंगा, एक्चुअली दो बातें कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट आप समझ लीजिए। पहली बात, इसके एक एपिसोड में, कहने का मतलब यह है कि जब भी मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें एक चैप्टर होगा। अब वो चैप्टर चाहे वो 10 मिनट का हो, चाहे वो 20 मिनट का हो, चाहे वो 40 मिनट का हो, या 10 घंटे का, या फिर 1 घंटे, 50 घंटे, कितने भी समय का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक वीडियो में एक एपिसोड यानी एक चैप्टर होगा, कम ज्यादा हो उससे मुझे मतलब नहीं है। उसके बाद भी आप कमेंट करते हैं कि आपको लंबा या जो भी आप कमेंट करते हैं वो चाहिए, तो फिर उसमें गलती मेरी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने वीडियो देखा ही नहीं है, मेरी बात सुनी नहीं है। फिर जब आपने मेरी बात सुनी नहीं तो फिर आपकी बात मानने का कोई मतलब नहीं बनता। सो ये बात पहली हुई। दूसरी बात, दूसरी और बहुत जरूरी बात यह है कि Why are they still here? God, get out while you can. दूसरी जरूरी बात यह है कि इस कहानी को धर्म से, जाति पाति से दूर रख के अगर आप एंजॉय करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। Shut up! He's lying. No. Get in the truck. Hey, move hey, it. Don't whoa, whoa, whoa. Switch. I said go get home. In the truck now. All right. क्योंकि अगर इसमें बीच में जाति पाति धर्म घुसाएंगे तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको, इसलिए एंजॉय करिए, आराम से रिलैक्स होके देखिए, मजे करिए, बट थोड़ा सा दूर रखिएगा उन चीजों को, ठीक है? एक कहानी है, आराम से मजे से देखिए, ठीक है? चलिए, और एक बात और, कुछ अंकल लोग भी हैं, कुछ आंटी लोग भी हैं जो अपने बच्चों के साथ भी वीडियोज देखती हैं, जिनके मुझे मेल्स भी आए थे। सो आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, ये जो सीरीज है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, अनचार्टेड लॉस्ट लेगेसी की बात कर रहा हूँ, ये पूरी सीरीज आप बिना किसी दिक्कत के बेहिचक अपने परिवार के साथ देख सकते हो, बैठ के कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है? कुछ ऐसा इसमें ऐसा नहीं होगा, ना सुनने को ना देखने को मिलने वाला है जिससे आपको कुछ ऐसा फील हो जो शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो उसके लिए आप रिलैक्स रहिए, ठीक है? मजे से एंजॉय करिएगा। चलिए, Hey, hold on. What's your rush?
How do I know you're not smuggling something in here? Arms up. Hey. It's dangerous to be out so late. Hey! Where do you live? What are you, deaf? Answer him! I said, where do you live? Aravtazon. I'm in the middle of something. It can wait. Yes, sir. Meet me inside. Understood. You, with me. Man the gun. Sir, what about her? Just let her through. You heard him. Get going. अभी मैं कहानी के लिए कुछ यहाँ पे क्लियर कर पाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे खुद अभी ठीक से पूरा आइडिया नहीं हो पाया। इतना पता है कि हाँ हम इंडिया में हैं, छाती ऑलरेडी मेरी 5-6 इंच फुल चुकी है और इतना पता है कि इसी दांत के आसपास घूम रही है पूरी कहानी है। बट देखते हैं आगे, थोड़ा समझ में आएगा तब आपसे, आप भी देखिए, मजे करिए, इन्जॉय करिए, फिर क्लियर होगा तो जैसे होगा हम आपस में बात करते हैं। ये रहा वो रेड डोर जो उस फोन में था, जिस तक हम पहुंचना है हमें ना। तो किसी तरह गार्ड से बचते बचाते उनके ट्रक में घुस के यहां तक तो पहुंच गए। आगे कहानी कहां लेके जाती है, वो उस लाल दरवाजे तक क्लियर हो जाएगा। Don't smoke. You're useless. I can't sell it. I don't want it. Wait for it. Come on now. Oh yeah, I can do that, baby. Great. ऐसा लगता है कोई जंग छिड़ी हुई है, हर तरफ धमाके की आवाज। ये तो नया है यार। लॉक पिक। ऑलमोस्ट। देयर्स अ कपल मोर इन द एली। मूविंग आउट टुनाइट। कांट वेट। टायर्ड ऑफ दिस। No, Asas says 1 week. Another week in this shithole. Oh, shit. Remember the end goal, brother. You still have that bottle of coconut oil. Yeah. Okay. I'm in. Rooftop. Pink Lotus. Pink Lotus. The hell does that mean? Oh. So, यहाँ पे हमारे पास कोई डायरी या कोई नोट नहीं है, जस्ट लाइक नेथन ड्रेक के पास था। इस बार हम ये फोन यूज करने वाले हैं। ऑल राइट, ओके, लेट्स गो नाउ। कोई है यहाँ पे? आवाजें तो आ रही है, बट इसलिए मैं को रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए आराम से। हाँ, कोई है। Join the rain fight. This place is a shithole. यहाँ पे कुछ लोग हैं और बेहतर होगा। He needs more time to prepare. Government thinks we're a joke. They won't think that for much longer. कोई आ रहा है यहाँ पे?
Come on, move, girl. Great. Awesome. We've been here for weeks. Nicely done. Safe. Not really. Oh my. Oh my god. Indian army's not messing around. यहाँ पे अरे ये पिंक लोटस यही लिखा था ना उसमें पिंक लोटस बट एक बार मैं सर्च कर लूँ और कहीं हो सकता है कुछ और ना हो सामने ट्रेजर इसे कैसे भूल सकता है बहुत बहुत पापड़ बेले इसके लिए Lotus. Not what I was picturing. Shift changed? Forget the room. There was at least two targets. One was the warehouse, the other... You're in the wrong place, girl. Let's do it. Bullshit! Thoda sambhal ke. Oh yeah. Hello, Nadine. You're late, Freya. Nice to see you too. Holy shit! What the fuck? Stop this! एक और है वहां पे What the hell was that? I thought you were a professional. Oh, you should relax. This is looking good, nah? Us dress mein. Relax. It took me weeks to track down Asov. The man's as unpredictable as they come. He's just another warmonger with no war to fight. No, you don't know him like I do. He changes location and routines by the hour. We'd be foolish to take unnecessary risks. We? Let's get one thing straight. This is my gig. You want your share? We play by my rules. What's it gonna be? He's the one with the beard. That's the spirit. ये वही आंसू जिससे फोन कॉल पे उसने बंदे ने बात किया था और Nobody's perfect. Where's base camp? और इशारों का बॉस है. All right. Let's do this. Had a street route all planned out, but they'll be looking for us now. All right. एक बात क्लियर कर दूं यहाँ पे. पहला पार्ट है इसलिए मैं दो एपिसोड एक साथ खेलने वाला हूँ ठीक है दो चैप्टर एक साथ खेलने वाला हूँ इसके बाद नहीं इसके बाद नॉर्मली जैसे बोल रहा हूँ ऐसे कंटिन्यू रखेंगे उसमें कोई भी चैप्टर फिर मैं एक्स्ट्रा रिपीट नहीं करूँगा आज पहला एपिसोड और मैं चाहता हूँ आप अच्छे से कहानी में भी समझ सकूँ आप भी जान सको इसलिए दो एपिसोड आज कवर करते हैं उसके बाद एक एपिसोड ले आगे बढ़ेंगे लेट्स डू इट और अभी तक क्लियर हो पाया है कि क्लोए यानी कि मैं और कुछ किसी चीज़ की तलाश में है और नैडिन हेल्प कर रही है असव के पास हो सकता है वो चीज़ और वो किसी ग्रुप का लीडर है ऐसा लगता है और फिलहाल हमें जाना है उसके उस मैं बूस्ट कर सकता हूँ तुम्हें राइट कम ऑन आई विल गिव यू अ बूस्ट अप
There you go. Thank you. Chal. यहां भी करना है मतलब इस चीज में मजा आएगा. Let's do it. Follow me. Amazing. Now what? Patience. ऐसा लगता है कि साउथ साइड में है ना यहाँ पे. आई डोंट नो ये क्या लिखा हुआ है. आई डोंट नो. Up here. Careful on this one. You sure this is safe? No. देख के तो लगता है शायद तमिल या तेलुगु. आई डोंट नो. एक गर्लफ्रेंड थी मेरी बहुत टाइम पहले साउथ साइड से. उसने सिखाया था मुझे कुछ. आई डोंट नो. नान अन्नाई कढ़ाली कुरियन. आई मीन आई लव यू. इतना ही उसने सिखाया था मुझे. सो और मुझे आइडिया नहीं है. एनीवे वेट अ सेक गर्ल. कम ऑन दिस वे. You realize we're moving. देख रहा हूँ हर जगह यहाँ पोस्टर्स पे वही लिखा हुआ है. आई डोंट नो ये मलयालम है तेलुगु है तमिल है. लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा था उसमें से. लैंग्वेज सिर्फ एक चीज थी नाना नाई कड़ाली कुरियन. उसके अलावा मुझे और कुछ आइडिया नहीं है. बट लेट्स गो. अगर ऑडियंस देख रही होगी तुमको पता होगा तो प्लीज कमेंट करना यार. मैं जानना चाहता हूँ एग्जैक्टली मैं हूँ किस जगह पे. ओके लॉयंस बाइस लाइक स्पेलिंग गलत है. Bicycles. Maybe a copyright or something. I don't know. Just one more dollar. I'll take him out. No, I got it. Cobra 1 to Cobra 5, over. Received Cobra 1. We have it. Over. Copy that Cobra 1. Shit. Hasta la vista, baby. Adequate work. Well, where to now? Camilla? Lighter? Okay. Okay. इसको यूज करके ऊपर जा सकते हैं राइट. रुक जाओ जंप मत करो ये लेके आ रहा हूं मैं. क्या बात है. काफी चीजें हमारे यहाँ से मतलब बिल्कुल हुबहू मिलती जुलती है ना. ये छत पे लगे हुए ये कपड़े सुखाने का तरीका और रखी हुई चीजें कितना से. ओह वेट अ सेक. सेम सा है. बट और ऊपर मैं भी इसको पुश कर रहा हूँ जैसे मैं और लगाने के लिए. उधर सॉरी ये करने का इरादा तो नहीं था. बट सॉरी अबाउट दैट. हाउ अबाउट वी अवॉइड क्रेट्स फ्रॉम नाउ ऑन. ओके गुड डील. अप अहेड. व्हाट पॉइंट. Cheap office supplies if you want them. You always this talkative on the job. Yeah. Redin बहुत ही straight forward है. और वहाँ भी अगर आपको याद हुआ Uncharted में भी. But to the point की बातें सीधे धूम धड़का fight and everything. But this is good. This is good. Last में जाके मैं clear हुआ था कि अच्छी है ये. Above you. What? Oh. Yeah.
Hi. Bye. One less problem. It's just above us. See, that wasn't so bad. It wasn't. Okay. Above us, the flame will go up, right? नेडी ना आने रही है, चेक कर रही पहले कि यहाँ सब कुछ ठीक हो फिर। This will just take a moment. All right. There's one. Rip. Oh, that works. Let's find that disc. Disc find कर रहे हैं यहाँ पे हम. Oh, ये तो पूरा ये लग रहा है जैसे संग्रहालय टाइप का. Thank you very much. और ये उसका ही लोकेशन है ना ऐसा का जो हमने देखा था दूरबीन से. Okay. It's like walking through an antique shop. Antique shop. Right. कुछ वैसा ही लग रहा है. पूरा देखते हैं आराम से. Enough to keep his little insurrection going for quite some time. ऐसे लोकेशंस पे एक्सप्लोर करना मजा आता है मुझे. Oh, horrible. Lots of curious cats here. Oh. Speaking of. Right. मैं वही मुझे आइडिया आया था यार. समझ गए होंगे आप क्या बोलना चाह रहा था मैं. These are all Indian artifacts. Curious cats. It's not my fight. King. सुना है यहाँ कोई बैटल किंग रहता है. रख दो बाबा. Pink Lotus. Destroyer and Transformer. Comment करेंगे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं इस जिसको उसने हाथ पकड़ रखा क्लोयर है. बड़ा ही प्यारा सा नाम. देखते हैं पता भी है आपको या नहीं. चलो वैसे स्कूल्स में फंक्शंस वगैरह में अवार्ड भी दिया जाता है. Salah and the Tiger. Maybe he's closer than I thought. No one will miss this. क्या बात है ट्रेजर मिला जा रहा है यहाँ पे. ये है क्या वैसे. I'll just borrow this. Fraser. Mm-hmm. Come here. That looks promising. It's locked. Not for long. But थोड़ा और देख ले आसपास. Ivory trader too. Asshole. ये सब चीजें यार बंद होनी चाहिए मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा. Goddess of wealth. अब आप खुद सोचो जितना तकलीफ आपको आपकी किडनी वगैरह निकाल के बेच दे तो होता होगा. जानवरों को भी उतना ही होता होगा ना जब उनके खाल और सब चीजें तोड़ के आप काट के बेचते हो तो जितना तकलीफ एक इंसान को होता है उतना ही तो वो भी सहते होंगे. तो ये सब बैन है लेकिन कहाँ आज भी लोग चल होता है ये तो कहने के लिए बैन है पूरी तरह से. एनी वे वेट जो रेडी ने बोला उस पर ध्यान देते हैं फिलहाल इसको बोलते हैं. Western Ghats, Hoysala territory. Hoysala, ये सुना सुना लग रहा है मुझे. No, it's all right. Anyway. Nothing we didn't already know. इसमें है भी या नहीं. हाँ. एक और. Missed it. हंस रही है वो. क्या मिला. It's beautiful. Oh, it's time to go. Nadine Ross. What a pleasant surprise. Careful, brothers.
This tiger's got claws. Asof. Oh, all these years. And you haven't aged a day. You're too kind. Are you looking for work? I hear that Shoreline's under new management. Temporary setback. Nothing I can't handle. Of course, of course. Pidgey, though. My men and I could use someone of your caliber. Why are you here? I mean, this isn't your area of expertise. It is a nice collection, I must say. Chloe Fraser, collector of antiquities. A thief? You're working for a thief. Sir, we have a situation. What? I'll be right there. The disc. Oh, right. About that. At first, I mistook you for just an average rebel. But you have managed to find the Hoysala Empire. That's not bad. Their greatest treasure. The Task of Ganesh. Now that's not an easy find. What are you doing? Three Persian invasions, three separate wars, and all these years later, no one has found it. We're close. You're lost. And the only chance you have of even narrowing down its location is to find someone who can help you crack this artifact. Someone with an extensive knowledge of Hoysala society. Exactly. An expert in their culture and history. My rates are reasonable. A parasite. Who exploits our struggle in order to fatten her pockets. So that's a no. Felt like a no. You've got balls. I like that. But I don't need any more so-called experts. Chloe batana chah rahi thi ki wo uske liye zaruri hai khodne ke liye. Oh, but shoot them. We'll throw ourselves out. Oh yeah, it's on. Let's do it. Get them! Oh, shit! Come on! We need to get across the river! ये गोली वोली का कोई चक्कर नहीं है क्या मतलब बंदूक बंदूक नहीं मिलेगी आंटी कोई बात नहीं लस या बेस ओके इट्स दिस वे चुप लो इन हियर क्विक इतनी इंपॉर्टेंट है इस डिस्क की जान भी दांव लगाने को तैयार है मतलब जाहिर बात है कि What the hell was that back there? Messy but effective. Yeah, you जब भी मैं out, weren't you? It's called improvisation. God, who's being unprofessional now? What the hell is that supposed to mean? It means you let Asav get the jump on us. I'm starting to wonder whether you're worth the 50%. I knew it. You were going to give me up. Because the leopard can't change his spots. You know nothing about me. Fair warning. Last person who betrayed me wound up dead. There's your river. Yeah? Kiski baat kar rahi thi? Uski baat to nahi thi ye. Oh shit. Yeah, well, time to go. Rave ki baat kar raha tha main. Right behind you. Chalo 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 chalo. Oh, this is dangerous. Jump. Putri. No, 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 no. Got you. Thank you. Lang, come on. You still have the disc. Yeah. Keep moving. Watch out! Oh, the love is gone! Oh, no escape! Nice! No, good! Last door! Bloody! Shit, 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 shit! Move, girl! Okay, I'm okay! They're going to the river!
चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते जंप 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 गर्ल ग्रेट वो भी कहां वाले हैं लगातार फायरिंग कर रहे हैं भागते रहो ओ हेल फॉलो मी रिवर्स जस्ट बिलो स्लाइड डाउन द लाइट्स वूहू हियर वी गो ओ So guys, do let me know कैसा लगा आपको एपिसोड मजा आया देख के नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी अपलोड करूंगा बस रिस्पॉन्स आपका अच्छा हो बाकी तो मजे करो और जब भी मैं यहाँ पे खजाने की बात करूंगा सब जरा मैं श्री गणेश के टूटे हुए दांत की बात कर रहा हूँ ठीक है ऑल राइट मैं कुछ यहाँ पे स्पॉइल नहीं करना चाहता मैं चाहता हूँ कि जो नया एपिसोड उसमें नहीं आगे आगे देखे तो बेहतर होगा इसलिए अपना ख्याल रखे मजे करे और बताना जरूर कैसा लगा ठीक है चलिए बाय बाय अपना ख्याल रखेगा जय हिंद जय भारत वंदे मातरम